हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 मिसलेनियस क्वेश्चन 11 12 13। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। 11 क्वेश्चन आते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपका एक्सरसाइज 11 टू 15 में प्रूव करना आपको ये। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में है आपका यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आपका अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पे है आपका स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा। यही है ट्रेंड, यही चल रहा होगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करना है, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट प्रॉपर्टीज यूज करनी है और आपका इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो देखो आपका यहाँ पे क्या स्टूडेंट सबसे लास्ट में दे रखा है, इन लोगों ने चालाकी की है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये बीटा प्लस गामा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ अल्फा प्लस गामा है, यहाँ बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ गामा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम अगर कॉलम वन को कॉलम थ्री में ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फिर वन 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 हो जाएगा और फिर आपका इजीली हम उसको जीरो करके एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो मैंने लिया यहाँ पे एल एच एस वाला पार्ट, एल एच एस में आपका ये जो है ये क्या कर दिया आपका कॉलम थ्री में, कॉलम थ्री में कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन कर दिया। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये भी हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर देखो आपका यहाँ पे ये जो है ये इसको, इसके बाद आपका इस वाले पार्ट से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप कॉमन ले लो इस वाले पार्ट से। तो यहाँ पे ले लिया आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये वन वन वन। ठीक है स्टूडेंट्स, वन 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 आ गया वहाँ पे, आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, वन 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 आ गया यहाँ पे आपका। ठीक, आपको प्रूफ ये करना, तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, अब दो रो को आप जीरो कर दो, दो रो कौन से, कोई से भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, रो टू में आपका रो टू माइनस रो वन करता हूँ, और रो थ्री में भी आपका रो थ्री माइनस रो वन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आपका रो वन तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका रो टू में बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि आपका रो टू माइनस रो वन, फिर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस वन, फिर आपका गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर, फिर वन माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया यहाँ पे, फिर आपका अल्फा अल्फा स्क्वायर वन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बीटा 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 माइनस अल्फा है, यहाँ पे आपका क्या है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो आप क्या करो बीटा प्लस अल्फा, और ये हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये जीरो हो गया, फिर ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट गामा माइनस अल्फा, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये आपका गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, गामा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका गामा माइनस अल्फा, और ये भी आपका जीरो। तो एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, इस रो से आपका बीटा माइनस अल्फा आपका कॉमन आ सकता है, इस रो से आपका गामा माइनस अल्फा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ गया आपका सेकेंड रो से, और थर्ड रो से आपका गामा माइनस अल्फा कॉमन आ गया। ठीक है, तो बचा क्या अल्फा अल्फा स्क्वायर वन, ठीक, ये जीरो जीरो, फिर आपका बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर आपका गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हो गया आपका। अब बस आपको मिल गया बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, तो ये दो चीजें मिल गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, गामा माइनस अल्फा, आपको क्या चाहिए, बीटा माइनस गामा। तो आप क्या करो स्टूडेंट, एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 3, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक्सपेंडिंग, यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका बीटा माइनस अल्फा और आपका गामा माइनस अल्फा। तो एक्सपेंड कर रहे हो, खाली खाली आपको 1 लिखने की जरूरत है, बाकी 0 वाले 0 हो जाएंगे। तो ये डिलीट बचा क्या आपका बीटा माइनस अल्फा, ये बचा आपका, ओ सॉरी, ये स्टूडेंट आपका जब कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये मल्टीप्लाई इसके साथ और ये मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो गामा प्लस अल्फा, बीच में माइनस का साइन, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद इसको क्या करो, ओपन कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है, ये आपका बीटा माइनस, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा अल्फा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और यहाँ बच गया आपका गामा माइनस बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बच गया आपका यहाँ पे, ठीक, इतना वाला पार्ट बच गया आपका गामा माइनस बीटा। तो अब क्या आपका लाना है, अब ये लाना था आपको, ये वाला पार्ट लाना था, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, बीटा माइनस अल्फा है, गामा माइनस अल्फा, ये ठीक है, और बीटा माइनस गामा है। तो आप क्या करो स्टूडेंट, ये इसका जो नेगेटिव है, इसका नेगेटिव कॉमन ले लो और इसका नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो, जैसे इसका नेगेटिव नेगेटिव, फिर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आपका ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, फिर आपका ये हो गया गामा माइनस अल्फा, और ये जो हो जाएगा ये शफल होके बीटा माइनस गामा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हट गया आपका, ये इसके बराबर आ गया, यानी एल एच एस जो है स्टूडेंट ऑफ आपका आर एच एस के बराबर आ गया। तो एक चीज, एक ट्रेंड बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लो आपका ए बी सी है, इसमें ट्रेंड यही चलता है क्वेश्चनों में, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो तीसरा फिर पहले को माइनस करता है, या एक्स वाई जेड में आपका होता है, तो आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो अगर दो नेगेटिव आ रहे हैं ऐसे ही, तो आप शफल करके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका जो इनका पूरे का कोएफिशिएंट है, और फिर इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड चलते हैं, जैसे इसमें भी आपका अल्फा बीटा गामा में चला, तो स्टूडेंट आप लोगों को ये दिख रहा है ध्यान से, ठीक है। तो देखो आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये है डिटरमिनेंट में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस में आपका पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। तो ये किसके बराबर आना चाहिए स्टूडेंट आपका, ये बराबर आना चाहिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। फिर देखो इसमें वही ट्रेंड है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और आपका जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इसके बराबर आना चाहिए, देखो कैसे आएगा। तो हमने एल एच एस वाला पार्ट लिया, एल एच एस वाला पार्ट यानी ये पूरा उतारा, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में क्या होता है, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम में आपका मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस होता है। तो इसमें देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या आपका 1 1 1, फिर प्लस किया, फिर आपका सेम यही लिखा जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या आपका है पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब,
और ये है आपका पी जेड क्यू। तो यानी कि आपके दो कॉलम्स आपके इक्वल थे, सेम थे, आपका थर्ड कॉलम में एडिशन हुआ इसका। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है एक ही कॉलम पर्टिकुलर रो में आपका एडिशन होना, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे डिटरमिनेंट वन, ये आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट टू, ठीक है। तो हम पहले डिटरमिनेंट टू को सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट टू जो स्टूडेंट्स आपका ये है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका, ठीक। तो फिर डिटरमिनेंट टू इक्वल्स टू आपका एक्स, जो पी है आपका वो कॉलम थ्री से आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर एक्स देखो, एक्स पूरे कॉल रो वन से, फिर वाई पूरे रो टू से, और जेड आपका पूरे रो थ्री से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वन आएगा क्योंकि एक्स कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे आपका पी कॉमन हो चुका है, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स कॉमन ले लिया। फिर सेम ट्रेंड फॉलो करेगा इसका नीचे वाला भी, ठीक है। वन जेड जेड स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट टू। अब देखो डिटरमिनेंट वन क्या है, एक्स वाई जेड आपका फर्स्ट कॉलम में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका सेकेंड कॉलम में डिटरमिनेंट वन में, और जो वन 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 है वो आपका थर्ड कॉलम में है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये अगर मान लो इसको मैंने शफल कर दिया इस कॉलम में, और इसको फिर मैंने शफल कर दिया इस कॉलम में। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉलम को जो वन 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 वाला पार्ट है उसको मैं शफल कर देता हूँ आपका थर्ड कॉलम में इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉलम वन और कॉलम थ्री में आपका इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका पी एक्स वाई जेड, ये ऐसे का ऐसे लिखा रहा, डिटरमिनेंट टू इक्वल्स टू पी एक्स वाई जेड। फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे, आपका जब हम कहते हैं शफल करते हैं स्टूडेंट, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उस टाइम पे नेगेटिव साइन जो है वो आ जाता है। तो नेगेटिव का पी एक्स वाई जेड, फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और आपका वन वन वन, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका ये जो है, ये हमें ये एक्स वाई जेड आपका फर्स्ट कॉलम में चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें सेकेंड कॉलम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर से इंटरचेंज कर देंगे आपका कॉलम वन कॉलम टू में। तो आपका फिर से क्या होगा, एक और नेगेटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव पहले ही था, ऑलरेडी था एक नेगेटिव, ठीक है, एक बार चेंज करने पे। तो यहाँ पे ये आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट टू की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट आपकी वो क्या होगी, पी एक्स वाई जेड, और आपका ये क्या है, डिटरमिनेंट वन है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट वन, ठीक है। तो ये इतना आया स्टूडेंट आपका, यानी डिटरमिनेंट टू की जो वैल्यू आई वो पी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट वन आई। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे इसके बाद ही मैं करता हूँ, तो ये आप नोट डाउन कर लेना पूरा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, तो जो डिटरमिनेंट वन प्लस आपका डिटरमिनेंट टू हो गया, ठीक है। डिटरमिनेंट वन ऐसे ही लिखा रहा, डिटरमिनेंट टू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आपकी, पी एक्स वाई जेड, और ये आपका डिटरमिनेंट वन, ठीक है। फिर आपका इन दोनों में डिटरमिनेंट वन कॉमन है, तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे वन प्लस में पी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वन अब क्या है आपका, यहाँ पे वन प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। डिटरमिनेंट वन क्या है आपका स्टूडेंट, वो आप लिख दोगे, वो ये है आपका, ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन वन वन। तो तीन, मतलब तीन रोज जो है आपके यहाँ पे वन वन वन, ये क्या है वन है, ठीक है। दो रो को आप जीरो कर दो, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप लोग करना, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, दो रो को अगर आप जीरो कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड में आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट आपका डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपका, तो ये हो गया आपका, दो रो को डिलीट करते हैं। तो रो टू में आपका रो टू माइनस रो वन, और रो थ्री में आपका रो थ्री माइनस रो वन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका यहाँ पे वन प्लस पी एक्स वाई जेड, फिर इसके बाद डिटरमिनेंट, फिर आपका ये क्या है, रो टू है, रो टू में चेंज है और रो थ्री में चेंज है, रो वन में कोई चेंज नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका रो टू माइनस रो वन, तो वाई माइनस एक्स, ये आपका जेड माइनस एक्स, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वन माइनस वन, ये भी वन माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद आपका वन प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर ये एक्स एक्स स्क्वायर वन, ये आपका वाई माइनस एक्स, ये हो गया वाई प्लस एक्स,
और वाई माइनस एक्स, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। फिर आपका जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आपका रो टू में आपका क्या हो जाएगा कॉमन, वाई माइनस एक्स, और रो थ्री में आपका जेड माइनस एक्स, ये तो जीरो ही है, तो आपका यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, वन प्लस पी एक्स वाई जेड। फिर डिटर्मिनेंट आपका ये हो गया यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर वन, ठीक है, ये हो गया आपका वन, ये हो गया वन प्लस एक्स, ये जीरो, फिर ये वन, फिर आपका जेड प्लस एक्स, ये जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ये इतना पार्ट बच गया, अब क्या करो आप स्टूडेंट, अब इसको एक्सपेंड कर दो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपका एक्सपेंडिंग 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 अलोंग कॉलम थ्री, ठीक है, तो एक्सपेंड करता हूँ कॉलम थ्री में, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और ये हो गया आपका वन प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्सपेंड करता हूँ इसमें, तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम है। फिर आपका ये डिलीट, तो आपका आ गया जेड प्लस एक्स, बीच में माइनस का साइन, वाई प्लस एक्स, ठीक है, तो ये हो गया इतना। फिर देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया यहाँ पे आपका वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये आपका वन प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर आपका ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आपका वन प्लस पी एक्स वाई जेड को आगे लिख दो आप, फिर इसके बाद वाई माइनस एक्स, फिर आपका यहाँ पे जेड माइनस एक्स, फिर आपका ये जेड माइनस वाई। तो मैंने आपको ट्रेंड बताया था कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये ट्रेंड भी होता है और ये आपको प्रूफ भी करना है। यहाँ पे क्या है आपके पास वाई माइनस एक्स, इसको एक्स माइनस वाई करना है, ये जेड माइनस एक्स, ठीक है, और वाई माइनस जेड करना है, ये जेड माइनस वाई है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब आपका माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका दो बार माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, दो बार माइनस कॉमन, और इनको शफल कर देता हूँ। तो देखो जैसे इसको मैंने शफल कर दिया तो ये एक्स माइनस वाई हो गया, ये आपका जेड माइनस एक्स ही रहेगा, और ये आपको शफल कर दिया तो ये वाई माइनस जेड ही रहा। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव हो गया, आपको प्रूव करना था ये वाला पार्ट। तो एल एच एस इक्वल स्टूडेंट हो गया आपका आर एच एस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हेंस प्रूफ। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ठीक, तो ये हो गया 12th क्वेश्चन। अब मैं स्टूडेंट्स आपको कराता हूँ 13th क्वेश्चन, तो ध्यान देना आप लोग 13th क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका 13th क्वेश्चन, ठीक है, तो ये है आपका 13th, इसको आपको प्रूफ करना है, 3a - a + b, 3a - a + b, फिर इसके बाद है -a + c - a + c, फिर इसके बाद है स्टूडेंट आपका -b + a 3b, -b + a 3b, फिर इसके बाद है यहाँ पे -b + c, -b + c, यहाँ पे आपका 3c है, फिर इसके बाद -c + a, -c + b, -c + a, -c + b, ठीक है, इसको बराबर करना है आपका thrice of a + b + c, thrice of a + b + c, ab + bc + में आपका ac, ठीक है, ये आपको इसको ये प्रूव करना। तो आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, a + b + c है, तो a + b + c कैसे आएगा, अगर आपने स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम में आपने सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया, तो 3a - a - a, तो a बचेगा प्लस b प्लस c ये बचा, यहाँ भी सेम सिस्टम ही अप्लाई होगा, ठीक है, ये ट्रिक होती है, तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कॉलम वन में LHS लिया आपने, LHS में आपका कॉलम वन में आपने कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर दिया, यहाँ पे आपका 3a, फिर आपका ये ऐड होगा तो माइनस का साइन ही रहेगा, फिर आपका -a + c, फिर ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी की ऐसी रहेंगी, -a + c, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे -b + a प्लस में आपका 3b, -b + c, फिर ये 3b और -b + c, फिर -c + a, -c + b प्लस में 3c, -c + b, और ये हो गया 3c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका a + b + c, यहाँ पे भी आपका बचेगा a + b + c, और यहाँ पे भी आपका बचेगा स्टूडेंट a + b + c, यहाँ पे आ गया -a + b, 3b, -c + b, -a + c, -b + c, और ये हो गया स्टूडेंट आपका 3c, ठीक है।
तो आपका फर्स्ट कॉलम से स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन ले लिया आपने फर्स्ट कॉलम से, वन 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 आ गया, आपको टारगेट मिल गया इनको जीरो करने का, दो रो को आप जीरो करोगे आपका आंसर आपके कदमों में, ठीक है। तो ये आपका कदमों में तो नहीं पता लेकिन कॉपी में जरूर मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, इसको मैं करता हूँ, आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका, इसमें अब क्या करता हूँ मैं, रो टू माइनस रो वन और रो थ्री में भी आपका रो थ्री माइनस रो वन, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, ये LHS चल रहा है, ठीक है ध्यान। हाँ फिर आपका ये हो गया जो रो वन है वो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, वन माइनस ए प्लस बी फिर माइनस ए प्लस सी फिर इसके बाद यहाँ पे वन माइनस वन फिर वन माइनस वन, ये हो गया आपका थ्री बी माइनस माइनस ए प्लस बी फिर आपका माइनस सी प्लस बी माइनस माइनस सी प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया फिर इसके बाद माइनस बी प्लस सी फिर आपका नेगेटिव नेगेटिव ए प्लस सी, ठीक है। फिर आपका थ्री सी माइनस माइनस ए प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इतना आ गया आपका। फिर इसके बाद देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका वन जीरो जीरो माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी फिर इसके बाद थ्री बी प्लस ए माइनस बी आपका क्या बचेगा, टू बी माइनस ए और टू बी प्लस ए बचेगा आपका थ्री बी माइनस, ठीक है। फिर माइनस सी प्लस बी प्लस सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका यहाँ पे बी फिर माइनस बी, तो ये भी आपका जीरो आया। फिर माइनस बी प्लस सी ये आपका प्लस ए हो गया, ठीक है, प्लस ए माइनस सी, तो आपका ये बच गया यहाँ पे माइनस बी प्लस में आपका ए और यहाँ पे आपका स्टूडेंट क्या बचा, थ्री सी माइनस सी तो टू सी और ये आपका टू सी प्लस में ए, ये आपका पार्ट बच गया, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व करना है स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे कैसे क्या होगा, तो यही आया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो। फिर से आपका तो ये टू बी हो गया प्लस ए हो गया फिर आपका माइनस बी प्लस सी, ये आपका प्लस ए माइनस सी, तो माइनस माइनस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल माइनस माइनस सी थ्री सी प्लस में फिर माइनस सी प्लस बी माइनस माइनस सी प्लस बी, ठीक है। ओ यहाँ पे गलती हो गई, ये आपका क्या होगा, ये माइनस ए प्लस बी है क्योंकि रो वन कर रहे हैं, देखा इसीलिए मैं रुका हुआ था, बी माइनस बी आपका कैंसिल तो माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, बार बार बता चुका हूँ, यहाँ पे ठीक एग्जैक्ट यहाँ पे आपका लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे को, इसीलिए मेरे को देखने में हमेशा मिस्टेक हो जाती है और खासकर इसी पार्ट में होती है, इन सब पार्टों में नहीं होती, इसी पार्ट में होती है, आप वीडियोज में देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आपका ये इसको एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके बाद एक्सपेंड किया आपका अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख लो एक्सपेंडिंग 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 अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग आपने एक्सपेंड कर दिया, फिर इसके बाद देखो आपका वन फिर ब्रैकेट में टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई टू सी प्लस ए फिर बीच में माइनस का साइन, ये आपका पूरे के साथ मल्टीप्लाई है फिर बीच में माइनस का साइन और आपका क्या होगा माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, नीचे आपको दिख रहा है, नीचे करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर ये हो गया आपका फोर बी सी प्लस में टू ए बी प्लस में आपका टू ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन फिर आपका माइनस सी, ये हो गया प्लस बी सी फिर ये हो गया माइनस ए सी फिर ये हो गया माइनस ए बी फिर ये हो गया आपका प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना आया, अब इसको ओपन करना है, ठीक है, इसको ओपन करना है यहाँ पे देखो, इसको ओपन करना है, ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका फोर बी सी प्लस में टू ए बी प्लस में टू ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी फिर आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए सी, ये आपका प्लस ए सी हो गया फिर आपका माइनस माइनस प्लस ए बी फिर आपका माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
ए स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट। फिर देखो आपका ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपका यहाँ क्या बचा, 4bc माइनस बी सी 3bc, फिर 2ab प्लस ab तो 3ab, फिर आपका 2ac प्लस ac आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 3ac। ठीक है, तो ये नीचे वाले पार्ट मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। तो आपका ये हो गया 3, आप यहाँ से कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन ले लिया आपने, फिर इसको सीक्वेंस में लिख दो, पहले ab फिर आपका bc फिर आपका ac। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था यहाँ पे ठीक है। तो आपका LHS जो हो गया वो हो गया RHS के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी वीडियो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन पे भी जज मत करना मेरे को, मैंने बता रखा है यहाँ पे खाली यहीं पे मिस्टेक होती है मेरे से बार बार, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ता है पता नहीं चल पाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर कुछ भी कैलकुलेशन के अलावा कॉन्सेप्ट में खराब लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, ओके।